बहादुरगढ़ में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। आज सुबह भी एक सब्जी विक्रेता का सैंपल पॉजिटिव आया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन रूप से सब्जी विक्रेताओं के संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, गांव में सब्जी सप्लाई करने वाले लोगों की जांच भी की जा रही है। इस वक्त मैं आपको बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल का एक दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर सैंपल करवाने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। ये वो लोग हैं या तो जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हैं, या सब्जी विक्रेता हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो गाँव में सब्जी सप्लाई करके आते हैं, जिन लोगों की ड्यूटी सरकार और प्रशासन द्वारा गाँव में सब्जी सप्लाई करने के लिए लगाई गई थी। इन लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और जांच के लिए उन्हें पीजीआई रोहतक भेजा जाएगा। कल भी करीब 400 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इतना ही नहीं, आज भी 400 से ज़्यादा लोगों के सैंपल यहां पर लिए जाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली से ट्रैवल हिस्ट्री को जोड़कर कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ने का यहां मामला सामने आया है, उसी लिए सिर्फ जो है दिल्ली राजधानी से सटी सभी सीमाओं को सील करने का काम प्रशासन स्तर पर किया गया है। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए गए हैं। 4 कैमरों की निगरानी में बॉर्डर सुरक्षित सील कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की पूरी जो है सख्ताई के साथ ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी व्यक्ति को बॉर्डर पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लॉकडाउन को सफल बनाने का प्रयास भी लगातार जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। करीब 5,000 लोगों के वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 5,000 लोगों के चालान किए गए हैं, उनसे करीब 20 लाख रुपए की राशि वसूल भी की जा चुकी है। धारा 144 और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और करीब 250 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ में नो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जिन लोगों को कोई ज़रूरी सामान की आवश्यकता है, उनके लिए नंबर जारी किए गए हैं। वो नंबरों पर फ़ोन करेंगे, उन तक घर तक सारा सामान जो आवश्यक वस्तुएं हैं पहुंचाने की व्यवस्था सरकार और प्रशासन द्वारा कर दी गई है। मकसद साफ है, कोरोना के बढ़ते कदम को रोकना। इसलिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों से घरों में रहने की लगातार अपील कर रहा है, ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। झज्जर की सब्जी मंडी में लिए गए लोगों के सैंपल की रिपोर्ट भी आज आने की संभावना है, जिसके बाद 26 का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहादुरगढ़ पिछले 5 दिन में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। बहादुरगढ़ में आज कोरोना के 6 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 6 में से 5 कोरोना पॉजिटिव लोग बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में काम करने वाले थे और एक दिल्ली में कार्यरत स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद झज्जर जिले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। अकेले बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी से अब तक 27 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और झज्जर की सब्जी मंडी में 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अकेले बहादुरगढ़ में 30 और झज्जर में 10 कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़े के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग का काम तेज कर दिया है। अब हर रोज करीब 250 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और उन्हें जांच के लिए दिल्ली पीजीआई रोहतक और खानपुर मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के रिहायशी इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है, जहां लोगों को घर से निकलने की मनाही है। झज्जर जिले में मिले कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। ज्यादातर लोग दिल्ली की आजादपुर मंडी से फल और सब्जियां लाकर झज्जर और बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में सप्लाई करने का काम करते थे, जहां से वो संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के परिजनों के सैंपल भी लेने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, संक्रमित लोगों के डायरेक्ट संपर्क में आए लोगों की जाँच की जा रही है। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली से झज्जर जिले को जोड़ने वाले सभी कच्चे पक्के रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े वाहनों को ही हरियाणा की सीमा में आने की अनुमति दी जा रही है। सर, कोरोना अपडेट क्या है झज्जर की? कोरोना का अपडेट हमारा ये है कि अब टोटल मिला करके अभी तक हमारे पास 30 तारीख की सभी रिपोर्ट आ चुकी है। 30 तारीख तक की जो सैंपल भेजे थे उसमें, और हमारी संख्या बढ़ करके 40 हो गई। इन 40 में विशेष बात यह है कि 33 व्यक्ति सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं, जो आज़ादपुर सब्जी मंडी से सब्जी लेके आते हैं, आड़त का काम करते हैं, या उनके मजदूर या ट्रांसपोर्टर्स हैं। 2 स्टाफ नर्सें हैं, जिनमें से एक स्टाफ नर्स डायरेक्टली LNJP हॉस्पिटल दिल्ली में काम करती है। और चूँकि जैसा मुझे अभी मालूम पड़ा कि दिल्ली सरकार का विधिवत रूप से जो एक्सक्लूसिवली कोविड हॉस्पिटल है, वो अस्पताल LNJP है। उसके ICU में या वार्ड्स में, इंडोर में जो स्टाफ नर्स काम करती थी, वो बहादुरगढ़ के रहने वाली है और बहादुरगढ़ से ही अप डाउन कर रही थी।
उसकी तबीयत खराब हुई तो उसने हमारे संपर्क किया, उसके बाद हमने सैंपल भेजा और उसका भी पॉजिटिव है। एक स्टाफ नर्स है हमारी UPSC की है, जिसके हस्बैंड जो है वो दिल्ली में ही अम्बेडकर हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनका भी सैंपल हमने भेजा है। हालांकि उनके हस्बैंड का सैंपल अभी नेगेटिव आया है, उसका दोबारा सैंपल हम भेजने जा रहे हैं। चार जो व्यक्ति हैं वो सीधे तौर से वो भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल को कोरोना हुआ, वो दिल्ली में एडमिट हुआ, उस पर विभाग ने संज्ञान लेते हुए उनके परिवार वालों का सैंपल भेजा, जो चारों का पॉजिटिव आया है, जिसके तहत उनके गांव को कंटेन कर दिया गया है पिछले 5 दिन से। बहादुरगढ़ के केस इसमें ज़्यादा निकल के आ रहे, 40 में से 30 केस जो है वो बहादुरगढ़ के निकल के आए हैं, और ज़्यादातर उससे जुड़े हुए हैं हमारे सब्जी मंडी जुड़े हुए हैं। एक केस हमारे पास ऐसा भी है जिसकी महाराष्ट्र के जो हॉटस्पॉट है उस एरिया की ट्रेवल हिस्ट्री थी, वहाँ वो काम करता था, वहाँ से आया था। तो हम जो हॉटस्पॉट एरिया से जो भी व्यक्ति आ रहा है, बाहर से आ रहा है, उनको भी हम चेकअप कर रहे हैं और सैंपलिंग भी कर रहे हैं, तो वो हमारे को पॉजिटिव मिला। अब कोरोना को हमने बेसिकली ढूंढना है कि कहाँ कहाँ कोरोना है, उसके बाद उसको भगाना है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी 26 तारीख के बाद जो चल रही है, वो रैंडम सैंपलिंग के लिए इसलिए चल रही है कि जो भी हमें सेंसिटिव एरिया लग रहे हैं, जिनका किसी न किसी रूप में दिल्ली से लगाव है, जुड़ाव है, या बाहर के किसी स्टेट से या किसी भी ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जहां कोरोना की संख्या ज़्यादा है कोरोना पीड़ितों की, उन व्यक्तियों को भी हम सैंपल लेकर के उनके भेज रहे हैं, ताकि हमें ये मालूम पड़ सके कि कोरोना संक्रमण कहां कहां के व्यक्तियों में है, किस किस व्यक्ति में, ताकि कोरोना संक्रमित लोगों को हम आम पब्लिक से अलग कर सकें और कोरोना के फैलाव को रोक सकें। सर, पेंडिंग की बात की जाए तो झज्जर और बहादुरगढ़ में कितनी रिपोर्टें अभी पेंडिंग हैं? अभी 30 तारीख तक की आ चुकी, करीबन 250 सैंपल हमने 1 तारीख को भेजे हैं, उनकी आज शाम तक या रात तक रिपोर्ट आ जाएगी। जहां तक के इन केसेज की सवाल हैं, हम 30 तारीख से ही लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को लिखते रहे हैं कि वहाँ जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन कर्मचारियों को वहीं रहने की उनकी सुविधा दी जाए। हरियाणा सरकार ने भी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने भी, मुख्यमंत्री महोदय ने भी दिल्ली सरकार को बार बार पत्र भी लिखा है, उनसे बात भी करी है मुख्यमंत्री दिल्ली से कि आप अपने कर्मचारियों को वहीं रोकिए, और उनको अगर रोकने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, इवन हरियाणा सरकार ने तो उनको ऑफर किया है कि हमारा हरियाणा भवन है, या जितने भी सिंचाई भवन, जितने भी हमारे हरियाणा सरकार के भवन हैं, वो भी ऑफर कर रहे हैं कि उन कर्मचारियों को रहने के लिए वो दे सकते हैं। तो मेरी तो हरियाणा इसकी झज्जर की जनता से भी अपील है, पर्टिकुलरली उन लोगों से जो झज्जर के वासिंदे हैं और दिल्ली में नौकरी करते हैं, वो कृपया जहां उनका वर्क प्लेस है वहीं रहें और वहीं रह करके अपना काम करें, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रह सकें और उनका परिवार और उनका जिला की जो जनता है वो सुरक्षित रह सकें।